चार धाम यात्रा से पहले महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर में घटी एक ऐसी भयानक घटना जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद सबके यही सवाल हैं कि क्या इस साल चार धाम यात्रा रोक दी जाएगी? क्या देश के इतने बड़े शिव मंदिर में नहीं दिखेगी भक्तों की चहल पहल? और क्या इस साल पूरा का पूरा केदारनाथ धाम शांत रहेगा? वास्तव में केदारनाथ मंदिर को उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को छोटा चार धाम भी कहते हैं। इसके अलावा भारत के चार धाम यात्रा में भी केदारनाथ मंदिर का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि बद्रीनाथ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर भी आते हैं। लेकिन इस बार चार धाम यात्रा से पहले यहां एक ऐसी अनहोनी हुई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर क्या है वो घटना जो देश भर के तमाम शिव भक्तों के लिए बुरी खबर लाई है? आखिर क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बाबा केदारनाथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान केदारनाथ की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये बात बीते दिनों 23 अप्रैल रविवार की है, जब दोपहर 2:15 पर केदारनाथ धाम पर एक हेलीकॉप्टर उतरा। हेलीकॉप्टर में मौजूद जांचकर्ताओं की टीम केदारनाथ के निरीक्षण हेतु आई थी, जिनका मकसद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से जुड़ी सेवाओं और व्यवस्थाओं की जांच करना था। साथ ही वे केदारनाथ में पायलटों की ट्रेनिंग हेतु भी आए थे। लेकिन हेलीकॉप्टर के उतरते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम पर उतरा और उसमें मौजूद सभी लोग एक एक करके उतरने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति हेलीकॉप्टर के पिछले दरवाजे से उतरा और हेलीकॉप्टर के पीछे से आगे की ओर आने लगा। तभी हेलीकॉप्टर का पिछला ब्लेड उसकी गर्दन से टकरा गया और उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। इस भयानक हादसे में जान गंवाने वाले उस व्यक्ति का नाम अमित सैनी है। अमित सैनी राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग से संबंधित एजेंसी में कार्यरत थे। अमित उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी में फाइनेंस कंट्रोलर थे। तो आखिर अमित सैनी ने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी कीमत उनको अपनी जान से चुकानी पड़ी? एक सामान्य हेलीकॉप्टर पर लगे हुए ब्लेड एक मिनट में 500 बार घूमते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर के आसपास के क्षेत्रों में तूफान जैसा माहौल बन जाता है और लोगों को हेलीकॉप्टर के आसपास आने से रोका जाता है। हेलीकॉप्टर के ब्लेड अत्यंत धारदार होते हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर पर चढ़ते और उतरते समय सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के ब्लेड की चपेट में आने वाली वस्तु का बचना मुश्किल हो जाता है। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के उतरते समय अधिकारी अमित सैनी ने सेफ्टी नियमों को नजरअंदाज किया। इस गलती की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अमित की गर्दन हेलीकॉप्टर के टेल रोटर ब्लेड में फंसकर कट गई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुनिया भर की हेलीकॉप्टर ऑपरेटिंग एजेंसियां और कंपनियां कुछ सुरक्षा नियमों का पालन करती हैं। पैसेंजर्स को भी इनके बारे में बताया जाता है, फिर भी कुछ लोग इसका ध्यान नहीं रखते
और हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसलिए यदि आप भी कभी हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो सुरक्षा नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से की ओर भूल कर भी मत जाइएगा। केदारनाथ धाम में हुआ ये भयानक हादसा केदारनाथ मंदिर खुलने से ठीक 2 दिन पहले हुआ था। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर के दरवाजे मेघ लग्न में 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर खोल दिए गए थे, लेकिन मंदिर के खुलने से पहले की जाने वाली परंपराएं पिछले 4 दिनों से चल रही थी। मंदिर खुलने के 4 दिन पहले यानी 21 अप्रैल से ही ये अनुष्ठान शुरू हो गए थे। इस अनुष्ठान की शुरुआत उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर से हुई, जहां पूरे विधि विधान के साथ केदारनाथ की गद्दी निकाली गई। केदारनाथ की इस पैदल डोली यात्रा में भारी भक्त सम्मिलित हुए और पूरे 4 दिन बाद ये गद्दी केदारनाथ मंदिर पहुंची, जहां पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट को खोला गया। भगवान केदारनाथ का ये धाम सदियों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। 4 धाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ जाने वाले भक्त यहां भी आते हैं, इसलिए केदारनाथ के कपाट खुल जाने के बाद आने वाले दिनों में यहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी और 6 महीने बाद सर्दी के आगमन से पहले केदारनाथ वापस उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लौट जाएंगे। जिस प्रकार सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद भगवान बद्री नारायण की पूजा जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है, ठीक उसी प्रकार केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद उनकी पूजा उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। उखी मठ को भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जो रुद्रप्रयाग से तकरीबन 41 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सर्दी आने से पहले केदारनाथ और मध्य महेश्वर से मूर्तियों को डोली में रखकर उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थापित किया जाता है और सर्दियों के मौसम में इनकी यहीं पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि बाणासुर की बेटी उषा और श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की शादी यहीं संपन्न हुई थी। उषा के नाम से ही इस स्थान को उखी मठ के नाम से जाना जाता है। तो केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और कुछ ही दिनों में यहां भक्तों का आगमन भी शुरू हो जाएगा। उम्मीद है केदारनाथ धाम में हुए इस भयानक हेलीकॉप्टर हादसे का असर यहां की 4 धाम यात्रा पर ना पड़े। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।